अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज मैं ईद के बाद जो है वो पहला व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है हम लोग रूटीन में वापस आ चुके हैं। नाश्ता वगैरह कर लिया था, सुबह का ही टाइम था और मैं यहाँ पर नाश्ते के सारे बर्तन वगैरह धो रही थी और घर के जो है ना वो बाकी के सारे काम अभी निपटाएंगे। इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि क्या बताऊँ। सबसे ज़्यादा गर्मी जो है ना वो किचन में होती है क्योंकि फ़ैन वगैरह नहीं होता और यहाँ पर जो है बस काम करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। सारे बर्तन जो है वो धो लूँगी और उसके बाद जो बर्तन होंगे उनको उनकी जगह पे लगाती जाऊँगी। और मैं आपके साथ जो है ना आज शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से 10 से 15 मिनट में हम लोग डेली जो है वो गर्मियों में किचन को क्लीन कर लेते, क्योंकि किचन को क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है रोज़ाना का रोज़ाना। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो उसको किस तरह से जो है वो क्लीन किया जाए टाइम के साथ और टाइम जो है वो कम लगे, तो ये मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। यहाँ पर देखें, मैंने जो बर्तन थे ना नाश्ते के वो सारे वॉश कर दिए हैं। और हम ऐसा करते हैं कि रात के जो खाने के बर्तन होते हैं ना वो रात को ही वॉश कर देते हैं, तो फिर सुबह उठ के जो है ना एक ही दफ़ा नाश्ता करके उसके बाद जितने बर्तन होते हैं एक ही बंदा खड़ा होगा, उसने जो है वो सारे इजीली धो लेने हैं। जितने ज़्यादा बर्तन होंगे ना उतना ज़्यादा टाइम किचन में लगेगा ऑटोमेटिकली, तो इसीलिए हम लोग जो है वो रात में रात के बर्तन धो देते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है वो शेल्फ वगैरह, किचन हमारा छोटा ही है तो हम लोग अगर शॉर्टकट पे काम करना चाहें ना तो हो ही जाता है। सारा किचन क्लीन करने से पहले बर्तन धो लेना वो जो है ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, सही रहता है, क्योंकि जो बर्तन होते हैं ना वो अपनी अपनी जगह पर आ जाते हैं और जो इनका पानी वगैरह निकलना होता है वो भी मतलब ये ड्राई हो जाते हैं। तो उसके बाद हम जब साफ़ करते हैं ना सारे ऊपर से शेल्फ वगैरह को तो वो भी अच्छे से ड्राई हो जाती है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहले मैं बर्तन धो लूँ। उसके बाद यहाँ पर जो है वो मैंने चूल्हे को साफ़ किया है और चूल्हा तो डेली ही हम लोग साफ़ करते हैं, तो क्योंकि रात में ये हम लोग इस तरह से डीपली क्लीन नहीं करते इसको तो सुबह में करते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम इस पे लग जाता है। इसके जो ये ब्रैकेट्स थे इसको मैंने अच्छे से आज धो लिया था। 2-3 दिन के बाद जो है ना इनको धोना पड़ता है, ये काफ़ी गंदी हो जाती है, फिर चूल्हा जो है वो ज़्यादा मैसी गंदा नज़र आ रहा होता है। तो जो मैंने इसके ऊपर लगा के इसको मतलब साफ़ किया था ना चूल्हे को सोप वगैरह लगा कर, तो फिर मैंने छोड़ दिया था ताकि ये अच्छे से क्लीन हो जाए और फिर उसके बाद जो है हम इसको साफ़ सुथरा कर लेंगे। तो किचन देखें, मैंने 10 मिनट के अंदर अंदर जो है वो सारा साफ़ किया है और उसके बाद जो है मैं ऊपर आ गई थी। जितने भी टॉवल होते हैं ना, आजकल गर्मी है तो सब जो है वो नहाते हैं, तो सब के टॉवल्स वगैरह लेकर फिर मैं ऊपर आ गई थी और मैं धूप में डालकर चली गई थी। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि ये चारपाई पे ना कुछ वो चीज़ें पड़ी हुई थी जैसे मैदा, बेसन, चीनी, तो ये गर्मी है आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं ऐसी चीज़ें, तो इसलिए हम लोग इनको धूप लगवा कर तो फ्रिज में रख देंगे फिर पैक करके। और ये था कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर इसकी ज़्यादा ज़रूरत जो है वो सर्दी में पड़ती है, सूप वगैरह बनाना होता है तो अभी इसकी ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो ये साफ़ सुथरा करके हम लोगों ने छान वगैरह करके ना इसको छान कर तो फ्रिज में रख दिया था बॉटल में डाल कर। फिर उसके बाद जो है ना अब यहाँ पर काम वगैरह हमारा हो गया था क्लीनिंग का सारा घर का। तो दिन दिन में तो हम लोग जो है वो भी खाना बनाएंगे ही, रात में हम लोग जो है वो शामी कबाब बनाएंगे। तो शामी कबाब जो है वो अक्सर बहुत कम ही हमारे घर में बनते हैं, तो इसलिए जो है ना आज मैंने सोचा ये बनाते हैं और मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। हर घर में ही गोश्त जो है ना वो आजकल मौजूद है, तो आप लोग इसको बीफ मटन से बना सकते हैं, तो ये तो वैसे भी चिकन से भी बन जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने ये 2 पैकेट लिए थे गोश्त के, ये जो है मिक्स गोश्त है, इसमें हड्डियाँ भी हैं बोटियाँ भी हैं, तो इसलिए मैंने 2 पैकेट लिए हैं। बाद में मैं ये भी जब डिफ्रॉस्ट हो जाएगा इसके अंदर से हड्डियाँ निकाल दूंगी और फिर बोटियाँ वगैरह ले लेंगे। तो दिन में हम लोग यहाँ पर आलू कतलियाँ बना रहे थे, इस कदर गर्मी है ना कि कुछ भी बनाने को खाने को दिल नहीं करता, तो इसलिए हम लोग दिन में बहुत हल्का फुल्का सा खाना बनाते हैं। आलू कतलियाँ या टमाटर की चटनी, शिमला मिर्च, आलू, हल्की सी कुछ कुछ भुजिया टाइप सा सालन बनाकर साथ में जो है वो रोटी तंदूर से ले आते हैं या बना लेते हैं, तो इस तरह से थोड़ा सा आसान हो जाता है। वरना दिन के टाइम तो रात में भी किचन में आने का दिल नहीं करता, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत गजब की गर्मी जो है वो पड़ रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि बस बारिश हो जाए। अच्छा, यहाँ पर जो है ना गोश्त मैंने जो है ना वो रख दिया था तो वो डिफ्रॉस्ट हो गया था। अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी और पानी डाल के इसको जो है ना साफ़ सुथरा करके मैंने धो लिया था ताकि इसका सारा ब्लड निकल जाए। जो कुर्बानी का गोश्त होता है ना इसका ब्लड निकालना ख़त्म करना नामुमकिन है, इसको आप जितना मर्जी धो लें फिर भी थोड़ा बहुत जो है ना वो ब्लड रह जाता है। अच्छा, उसको मैंने साफ़ सुथरा गोश्त को करके रख दिया था। उसके बाद ये जो दाल थी ना दाल चना,
ये गोश्त जो है वो तकरीबन मेरे देखने में मुझे तो 2 किलो के हिसाब से लग रहा था, बाकी मुझे नहीं पता कि ये कितना गोश्त है, अंदाजन मैं आपको बता रही हूँ। और जो दाल थी ना, दाल ये मैंने चना अपने हिसाब से साफ़ कर ली, अंदाजे से ये भी ले ली थी, और इसको साफ़ करके जो है ना मैं भिगो कर धो कर भिगो कर रख दूंगी ताकि ये भी जो है वो अच्छे से भीग जाए। लेकिन मैं इसको तकरीबन 1 घंटा ही भिगोंगी। मेरा एक अपना तरीका है शामी कबाब बनाने का, ज़्यादातर लोग जो है इसको सारी रात या 4-5 घंटों के लिए भिगोते हैं, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। जैसे अब मैं इसको बस 1 घंटा भिगोती हूँ क्योंकि दाल बहुत जल्दी नरम हो जाएगी और फिर कुकर में बहुत जल्दी, ये भी ज़ाहिर इतना ज़्यादा वेट लगाएंगे हम लोग तो फिर उस वजह से जल्दी गल भी जाएगी, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा पानी के अंदर भिगो दूंगी 1 घंटे के लिए। पहले इसको मैंने अच्छे से मल कर धो लिया है और इसके अंदर फिर मैंने साफ़ पानी डाल के इसको भिगो कर रख दिया है। तो ये शामी कबाब की थोड़ी सी तैयारी होगी थी। आज जो है ना इतनी मुझे गर्मी लग रही थी तो मेरा दिल नहीं था कि मैं जो है इसको बनाऊं, लेकिन फिर भी अब खाना वगैरह तो बनाना ही पड़ता है, तो इसलिए कहा मैंने चलो थोड़ी थोड़ा तैयारी करके जो है इसको रख लेते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना मैंने थोड़ा सा आराम किया, खाना वगैरह हम लोगों ने खाया था, तो फिर ये अब शाम का टाइम था और ऊपर से हम लोग ये मैदा वगैरह ले आए थे सारी चीज़ें, तो अम्मी ने जो है चीनी वो चीनी डाल कर रख ली थी और यहाँ पर ये मैदा, मैदे को हम लोगों ने छान कर रखा था। इसको अब मैं बॉटल के अंदर डाल के बेसन को रख दूंगी फ्रिज के अंदर, इस तरह ना ये मैदा बेसन ये चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। तो ये थोड़ी थोड़ी हमारे घर में पड़ी हुई थी तकरीबन 1 किलो 1.5 किलो के बराबर से ये दोनों, तो हमने कहा कि इससे पहले ये ख़राब हो हम इसको जो है ना वो फ्रिज में रख लेते हैं। तो ये भी एक टिप है, आप लोग गर्मियों में दालों को, मैदे को, बेसन को, चीनी को, इस तरह की जो चने लोबिया इन चीज़ों को साफ़ सुथरा करके आप लोग जो है वो फ्रिज में लगा लें ताकि ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो, इनके अंदर कीड़ा ना पड़े, और वैसे भी आगे बरसात का मौसम है तो फिर हब्स की वजह से बहुत जल्दी ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो इसलिए हम लोगों ने इन चीज़ों को पहले ही जो है वो संभाल लिया है क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई है आप लोगों को पता है। तो इसलिए फिर अब यहाँ पर रात तकरीबन 6 बजे का टाइम हो रहा था, अब मैंने सोचा कि मैं जो है ना वो शामी कबाब की तैयारी कर लेती हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैंने जो है ना वो गोश्त अलग किया था, जो उसको कुकर के अंदर डाल लिया है, जो हमारी दाल भीगी हुई थी इसको पानी निकाल के हम लोगों ने ये भी इसके अंदर ऐड कर दी है। हर एक की अपनी रेसिपी है, मेरी भी रेसिपी बड़ी मज़े की है, आसान सी भी, आप लोग इससे भी ट्राई कर सकते हैं और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा शामी कबाब कैसे बने थे आपके। एक बड़ा बिग साइज़ का जो है वो मैंने प्याज लिया है और ये ऐड कर लेंगे, अगर आपके पास बड़ा नहीं है तो आप 2 छोटे डाल लें। और इसके बाद इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 से भी ज़्यादा मैंने लिया था क्योंकि ये जो बैटर मसाला था ना इसका ये गोश्त दाल वगैरह ज़्यादा थी, तो तकरीबन 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का कुछ पेस्ट। इसके अंदर जो है वो खड़े मसाले जाएंगे, साबुत मसाले, 2 तेज़पात, एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का, 4 से 5 छोटी इलायची और 3-4 दाने जो है वो बड़ी इलायची के, साबुत जीरा 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून साबुत धनिए का, और साथ में लौंग और काली मिर्च के कुछ दाने, इस तरह से आपने स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर लेने हैं। और साथ में मैंने इसके अंदर हसबे जायका नमक ऐड किया था, अभी मैंने स्पाइसेस बहुत कम ऐड किए थे इसके अंदर कहीं ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड किया है, हल्दी ऐड की है 1 टीस्पून के करीब, और साथ में अदरक का पाउडर मैंने ऐड किया था क्योंकि मेरे पास जो है ना वो अदरक का पेस्ट नहीं था, तो जो मैंने अभी पहले ऐड किया था वो सिर्फ लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच मैंने ऐड किया था, इसलिए 1 चम्मच भर कर मैंने अदरक का पाउडर ऐड कर दिया है। सारे जो हैं वो मसाले अच्छे से मिक्स किए हैं, मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया था, पानी आपने इतना डालना है कि ये अच्छे से गोश्त और दाल उसके अंदर डिप हो जाए, इतना ज़्यादा नहीं डालेंगे कि ये बाद में ड्राई ही ना हो, बहुत ज़्यादा पतला रह जाए, फिर आपके कबाब जो वो हैंडल नहीं होंगे, बनेंगे ही नहीं। तो चूल्हा जला लेते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको ऊपर रख देते हैं, और जो कुकर है इसको हम लोग जो है सीटी के बाद मैं तकरीबन 20 से 25 मिनट इसको दूंगी क्योंकि बीफ गलने में टाइम लेता है। जब तक ये छोटे मोटे काम कर लेते हैं, ये प्याज आया था तो प्याज को जो है मैंने सोचा इसको इसकी जगह पे लगाते हैं, और सब चीज़ें अपनी जगह पे पड़ी हुई ना बड़ी अच्छी लगती हैं। और उसके बाद कुछ बर्तन मैंने शाम में धोए थे उनको भी अब मैं समेट लूँगी, गर्मी है, गर्मी में इतनी 1-2 चीज़ों की तो बहुत ज़्यादा आसानी होती है कि जल्दी से आपके जो बर्तन है वो भी ड्राई हो जाते हैं, जब आप कपड़े धो रहे होते हैं तो वो भी जल्दी जल्दी ड्राई हो जाते हैं, तो इन छोटी मोटी चीज़ों की भी बहुत आसानी हो जाती है। और यहाँ पर नीचे वाले कैबिनेट के भी कुछ बर्तन जो हैं वो धुले हुए थे तो बस इनको भी समेटना था, और सब बर्तन जो है ना वो अपनी अपनी जगह पर समेटे हुए अच्छे लगते हैं। इतनी देर में हमारा जो प्रेशर था वो तैयार हो गया था, मतलब वेट मैंने 25 से 30 मिनट के लिए लगाया था क्योंकि बीफ जो है ना वो जल्दी गल नहीं रहा था,
तो यहाँ पर देखें अब ये थोड़ा सा पानी था जो कि इसी में ड्राई हो जाएगा, और थोड़ा बहुत अगर रह भी गया ना तो वो जब हम इसको अच्छे से कूटेंगे ना, मैं कूटूंगी इसको चॉपर में, चॉप नहीं करूँगी, तो ये फिर जो है ना खुद ब खुद ही ज़बरदस्त सा हो जाएगा, इसका जो पानी है ना वो ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा पहले करते हैं और फिर इसको कूट कर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर शामी कबाब का मसाला जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो बस इसके अब हम लोग कबाब बनाएंगे, लेकिन पहले इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। अच्छा, मैंने इसको चॉपर के अंदर चॉप नहीं किया, उससे इसका रेशा जो है वो अच्छे से नहीं बनता। जब हम इसको कूटते हैं ना तो गोश्त का रेशा जो निकलता है इसी तरीके से जो है ना वो रेशेदार कबाब बनते हैं। इसके अंदर मैंने फ्रेश हरा धनिया ऐड कर दिया है, साथ में एक पैकेट से थोड़ा सा कम था ये शामी कबाब का मसाला, ये ऐड कर दिया है, इसीलिए मैंने पहले स्टार्ट में मसाले थोड़े से कम रखे थे। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और फिर इस स्टेज पे मिक्स करके आप चेक भी सकते हैं कि आपके मिर्च मसाले ठीक हैं, और मैंने जो है ना वो थोड़ा बहुत कम था तो मैंने ऐड कर लिया था नमक और साथ में रेड चिली पाउडर। मसाला जो है वो मेरा आप देखें बिल्कुल भी ढीला नहीं रहा, हालांकि इसके अंदर पानी भी था, थोड़ा सा मैंने पानी ड्राई करके जब इसको कूटा था ना तो ये खुद बहुत ही बिल्कुल ड्राई हो गया था। अच्छा, इसके अंदर मैंने एक अंडा ऐड किया, आप दो भी कर सकते हैं अपने मसाले के हिसाब से। और अब मैं इसको अच्छे से गूंद रही हूँ ताकि इसके अंदर कोई भी जो है ना वो ऐसे मसाला जो है ना वो खड़ा ना रहे, और इसके अंदर जितने भी खड़े मसाले थे ना कूटते हुए में वो मैंने पत्ते वगैरह वो सब कुछ निकाल दिया था, वो मुंह में आते हैं ना तो अच्छे नहीं लगते। और यहाँ पर देखें अब नॉर्मल से साइज़ का एक कबाब बना लेंगे, और इसी तरह से सारे कबाब हम लोग बना लेंगे। किचन में इस कदर गर्मी थी ना तो इसलिए हम लोग फिर जो है ना रूम में चले गए थे, मैंने और मेरी बहन ने मिलकर फिर इसके जो है ना वो कबाब बना लिए थे। अभी शाम के लिए जो है ना हम ये कबाब फ्राई करेंगे, साथ में जो है वो चटनी बनाएंगे रोटी, तो इस तरह हम लोग जो है वो डिनर कर लेंगे। तो जो बाकी के कबाब थे हम लोगों ने उनको ट्रे में रख कर फ्रीज़ कर दिया था, जैसे ही वो जम जाएंगे फ्रीज़ हो जाएंगे तो उनको आप किसी भी कंटेनर के अंदर या आप उनको जो है वो जिप लॉक बैग के अंदर डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं, और फिर आप लोग इनको खा सकते हैं पराठे के साथ, बर्गर के अंदर, किसी भी तरह से बहुत मज़े के जो है ना वो तैयार होकर बन जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये देखें मैंने जो है ना वो दो बैच के अंदर जो है वो कबाब फ्राई किए थे, और ये बहुत यम्मी बने थे, और मैंने बहुत ज़्यादा मोटे नहीं बनाए थे कबाब, थोड़े से इसकी जो पतली लेयर रखी थी ताकि मोटाई पतली रखी थी ताकि जो है ना वो अंदर तक जो अच्छे से पक जाएं। तो यहाँ पर देखें हमारे कबाब जो है वो रेडी हो गए हैं, मैं अभी आपको इनकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी थे, बहुत ज़्यादा रेशेदार थे, इतने मज़े के बन के ये तैयार हुए थे। साथ में ना आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था मिंट मार्गरीटा पीने का, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने फिर सबके लिए जो है ना साथ में मिंट मार्गरीटा भी बनाया था। और वैसे भी जब भी आप गोश्त खा रहे हैं ना तो साथ में मिंट मार्गरीटा या शिकंजबीन इस तरह की चीज़ ज़रूर पिए, ताकि जो गोश्त है वो हज़म हो जाए, या उसकी गर्मी जो है ना, गोश्त की भी एक गर्मी होती है, जब हम उसको खा लेते हैं ना तो कुछ देर के बाद वो अपना असर दिखाता है। तो गाइस, आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। यहाँ पर अब हम करेंगे डिनर, आपसे मैं अब चाहूँगी इजाज़त, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और ये देखें जी, कबाब इस कदर रेशेदार थे, ज़बरदस्त से थे, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, इस रेसिपी को मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।